धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कांगड़ा के उपायुक्त सीपी वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जिला के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वीवीपैट का 100% इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव जो भोरंज में हुए थे उनमें वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था और अब पहली बार है कि पूरे प्रदेश हिमाचल के अलावा गुजरात में होने वाले चुनावों के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वीवीपैट के माध्यम से जो मतदान होगा उसको ये सुविधा होगी कि वो जो वोट डाल रहा है वो किसके हक में हो रहा है इसका पता लग सके। उन्होंने कहा कि इससे किसी प्रकार का संदेह संशय या शक उसके मन में नहीं रहेगा क्योंकि वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड के लिए उम्मीदवार का नाम, उसका क्रम संख्या व उसका चुनाव निशान दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि इस वीवीपैट को विधानसभा के हर पोलिंग बूथ पर पहुंचाया जाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि लोग अवलोकन कर सकें और इसकी प्रणाली से सभी को अवगत करवाया जा सके। वर्मा ने कहा कि विभिन्न प्रकार के 26 मॉड्यूल और सॉफ्टवेयर हैं और आरओ प्रणाली से हुए चुनाव की सारी प्रक्रिया का आंकलन और मूल्यांकन इसी प्रक्रिया से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान किसी भी तरह का कार्यक्रम करने के लिए ऑनलाइन इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन किसी भी तरह के कार्यक्रम की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को कि सर्वप्रथम ये पूरे हिमाचल में वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, 100% होगा। इससे पहले भोरंज का जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का उसमें इसका वीवीपैट का प्रयोग किया गया था, लेकिन 100% प्रयोग जो पूरे हिमाचल में पहली बार होगा और हिमाचल के साथ गुजरात के चुनाव में भी होगा। इस वीवीपैट के माध्यम से जो वोटर होगा उसको यह सुविधा उपलब्ध होगी कि वो जो वोट डाल रहा है वो उसको दिखेगा कि वोट वो किस कैंडिडेट के लिए डाल रहा है और वो अपने आप को आश्वस्त करवा पाएगा और किसी प्रकार का संदेह या संशय या शक उसके मन में नहीं रहेगा क्योंकि वीवीपैट में उसके डिस्प्ले यूनिट में 7 सेकंड के लिए कैंडिडेट का नाम, उसका सीरियल नंबर और उसका सिंबल दिखाई देगा और वो 7 सेकंड तक वो उसकी उसको देख सकता है और अपने आप को आश्वस्त करा सकता है। जहां तक वीवीपैट की उपलब्धता के बारे में आप कहा है, आज हमने पत्रकार वार्ता में भी इस बात को एम्फेसाइज किया है कि ये वीवीपैट हम जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हमने वीवीपैट को धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में इसको दिखाया है और पत्रकार वार्ता में आप लोगों को भी दिखाया है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिखाया है और अब इसको हम हर मतदान केंद्र पर ले जाएंगे। एक बार ये सुनिश्चित करेंगे कि वीवीपैट हर स्थिति में एक बार मतदान केंद्र पर पहुंचे ताकि जहां पर लोग इसका अवलोकन कर सके और अपने आप को इसकी कार्यप्रणाली से अवगत करवा सके। इसके अतिरिक्त आज की जो बैठक पत्रकार वार्ता हुई है उसमें हमने लोगों को पत्रकार बंधुओं से अनुरोध किया, हमने जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और मॉड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित किए हैं जो लगभग संख्या में 26 हैं उनसे भी आप लोगों को अवगत करवाया है और आपके माध्यम से भी प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं कि आरओ नेट के माध्यम से ही सारी जो चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो संचालित होगी, निष्पादित होगी और उसका जो आंकलन और जो मूल्यांकन भी उसी के द्वारा किया जाएगा। और हमने अभी इससे पहले आपकी पत्रकार वार्ता से पहले हमने राजनीतिक दलों से भी संवाद स्थापित किया है जिसमें हमने उनको ये बताया है कि इस बार जिस प्रकार की जो भी किस प्रकार की परमिशन या क्लियरेंसेज होगी वो भी ऑनलाइन उनको करनी पड़ेगी और ऑनलाइन ही उनको उसकी अप्रूवल भी कन्वे होगी। इसमें किसी प्रकार की उनको असुविधा नहीं होगी और आसानी होगी, सुगमता होगी, घर बैठे उनकी जो परमिशन होगी वो उनको उपलब्ध हो जाएगी तो ऑफलाइन कोई भी परमिशन जो होगी चुनाव से मुतल्लिक वो नहीं मिलेगी।